नमस्कार, करण नॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रक्षिता। आज हम वीकली शेड्यूल में बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। हाँ जी, राजस्थान करंट अफेयर्स उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब आरएएस का इंटरव्यू देने वाले हैं। इसके साथ साथ जो एसआई के इंटरव्यू चल रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जितने भी आरपीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उनके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में और इसी तरीके से हम अपनी सीरीज़ को आगे लेके जाएंगे। तो आप विश्वास रखिए कि राजस्थान का कोई भी करंट का टॉपिक आपसे अछूता नहीं रहेगा। हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में कोरोना संकट की, उसके बाद राजस्थान में सियासी संकट की, इसके साथ साथ ब्रिक्स CCI के संचार समिति के सलाहकार के बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि टीना ढाबी जी को अभी जो है सलाहकार नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, क्योंकि इसके पद में भी कुछ बदलाव किया गया है। इसके साथ साथ श्री जीवा भाई, जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले के हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वलंत चर्चा का विषय टिड्डियों का हमला और जैसलमेर, उसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान में कोरोना संकट को देखते हैं। देखिए, चीन के वुहान से निकला COVID-19, ठीक है, उसके बाद मार्च 2020 में WHO के द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया और धीरे धीरे इसने पूरे विश्व में पैर पसार लिए और इसके साथ साथ देश में भी जो है कोरोना काफ़ी हद तक जो है वो अपने पैर पसार चुका है। और जहां हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हालांकि हमारे लिए राहत भरी खबर ये है कि हमारे पास जो है एक्टिव केस बहुत ज़्यादा राजस्थान में नहीं है और इसके साथ साथ जो मृत्यु दर है वो भी राजस्थान में काफ़ी कम है। तो हम यदि वर्तमान यानी आज तक का डेटा यदि हम देखते हैं, आज है हमारा 26 जुलाई, तो आज तक का डेटा यानी 25 जुलाई तक का डेटा यदि हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कोरोना पॉजिटिव की का कुल आंकड़ा राजस्थान में 34,735 के पार हो गया है। इसके साथ साथ प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज़्यादा केस जोधपुर में हैं और यहाँ 5,603 जो लोग हैं वो कुल संक्रमित हैं। इसमें से 47 लोग जो हैं वो ईरानी हैं या ईरान के हैं। उसके बाद आता है जयपुर का। जयपुर में 4,770 केस हैं और इसमें 2 इटली के नागरिक भी शामिल हैं। इसके बाद भरतपुर, पाली। आगे यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान में देखते हैं कि कोरोना से अब तक 602 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर में सबसे ज़्यादा 179 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ साथ 24,000 से ज़्यादा लोग, 24,500 लोग जो है रिकवर हो चुके हैं और 30,000 के आसपास लोग जो डिस्चार्ज हो चुके हैं। कुल एक्टिव केस केवल 9,470 ही बचे हैं। यानी आप देखेंगे कि राजस्थान कहीं ना कहीं कोरोना से जीतने में अपने आप में जो है वो एक अच्छी भूमिका जो है राजस्थान ने अदा की है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में सियासी संकट की। तो देखिए, इसको लेकर हम ऑलरेडी एक जो वीडियो है वो बना चुके हैं। अभिषेक जैन सर ने जो है ये वीडियो बनाया था, बहुत डिटेल में जो है इसको समझाया, इसके संवैधानिक प्रावधान भी बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाएं। यदि आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। इसके बाद हम बहुत जल्द यानी जैसे ये जो सियासी संकट है ये हल हो जाएगा या इसी वीक हम कोशिश करेंगे कि इसके संबंध में एक लगभग 20 मिनट की वीडियो और आपके सामने लेकर आएँ। और अब जो इसमें जो परिवर्तन हुए हैं, अब जो चीज़ें जो हैं इसमें आई हैं उनको भी हम आपको डिटेल में जो है वो बताएंगे। इसके साथ साथ जैसे ये संकट खत्म हो जाएगा तो किस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें हुई उन सबको भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ जो है वो जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़रूर इस संकट से निपटने के लिए देखिए, क्योंकि अभी जो है राज्यपाल की भूमिका, विधानसभा स्पीकर की भूमिका, आर्टिकल 174 है ना, इन सारी चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और दिन ब दिन जो है इसका रूल जो है वो चेंज होता जा रहा है। इसमें जो है दिन ब दिन जो है हमें नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो बहुत जल्दी आने वाले 2 या 3 दिन में जो है हम इसकी एक और वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिक्स CCI के संचार समिति के सलाहकार की, क्योंकि इनकी जो सलाहकार बनाई गई हैं वो टीना ढाबी बनाई गई हैं। देखिए, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने युवा नेताओं की संचार समिति सलाहकार जो है वो टीना ढाबी को नियुक्त किया गया और ये नियुक्ति उन्हें 2020 से लेकर 2023 तक जो है वो की गई है। आप देखेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे मान बढ़ने वाला है। टीना ढाबी भारत की पहली IAS अफसर हैं जिनका इस इंटरनेशनल पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन इंटरव्यू में जरूर पूछा जा सकता है। आज से पहले
किसी अन्य भारतीय ने इस पद पर कब्जा नहीं जमाया था, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ यदि टीना ढाबी की बात करते हैं तो कोरोना वॉरियर्स जो है इन्हें घोषित किया गया। एक्चुअली राजस्थान का जो कंटेनमेंट जोन रहा है भीलवाड़ा, उसमें वायरस पर लगाम लगाने में इन्होंने काफ़ी अहम रोल जो है वो प्ले किया, तो ये हमारे लिए सच में बहुत ही गर्व की बात है। देखिए ब्रिक्स की यदि हम बात करते हैं तो ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका का एक संघ। यहाँ पर ब्रिक्स CCI यंग लीडर्स इनिशिएटिव जो है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है पहला है युवा नेताओं को वैश्विक विकास के लिए प्रभावी योगदानकर्ता बनाना। जैसे कि टीना ढाबी ने अभी बहुत, तो आपसे एक क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि उनको इतना बड़ा पद, चुनौती बड़ा पद क्यों दिया गया, क्योंकि भीलवाड़ा मॉडल में उन्होंने बहुत अच्छा काम जो है वो किया है और पूरे देश के लिए भीलवाड़ा मॉडल राजस्थान का अपने आप में बहुत ही सराहनीय जो है वो रहा है। इसके साथ दूसरा इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि सदस्य देशों ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका में सतत काम के अवसरों की खोज में भी ये जो है ये उनकी मदद करेगा। ये इसका दो उद्देश्य है, ठीक है, आप समझ पाए। एक तो ब्रिक्स देशों में जो है काम के कौन कौन से और अवसर हो सकते हैं अब जबकि COVID-19 जैसी जो है वो बीमारी महामारी जो है फैली हुई है। इसके साथ साथ 2023 तक जो है उनको एक प्रभावी योगदानकर्ता के रूप में वहाँ पर काम करना होगा। ढाबी के बारे में और पढ़ते हैं तो ढाबी जी 2015 में सिविल सेवा परीक्षा की यानी IAS की परीक्षा की UPSC की परीक्षा की टॉपर रही हैं और वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा में SDM के रूप में कार्यरत हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि कौन से जिले में जो है वो ये कार्यरत हैं, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। ढाबी ने 2018 में राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक भी हासिल किया है। इनकी जो है जब लबासना में इनकी ट्रेनिंग हुई तो वहाँ पर भी इन्होंने ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत अच्छा किया और वहाँ पर भी जो है इन्होंने जो है वो रैंक प्राप्त की थी, ठीक है। COVID-19 का मुकाबला करने के लिए ढाबी को भीलवाड़ा की क्रू नियंत्रण मॉडल के निर्माण में उनकी भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। और ये जो क्रू नियंत्रण मॉडल था उसमें लॉकडाउन, स्क्रीनिंग, परीक्षण, जिला अलग अलग कठोर ग्राम निगरानी जो है वो शामिल थी। आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पद इन्हें दिया गया है, क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा काम किया COVID-19 के दौरान। नेक्स्ट है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। एक्चुअली इसमें हुआ ये है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का जो पद है अब राज्य सेवा यानी स्टेट सर्विसेज में आ जाएगा, राज्य सेवा अधिकारी का पद होगा। अब तक एक्चुअली होता ये आया है कि डेपुटेशन के रूप में जो है डेपुटेशन से इस पद को भरा जाता रहा है, अभी इसका जो है बहुत अच्छे से संचालन इस पद का नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर राज्य सेवा अधिकारी का जो पद है वो अब इसका किस पर लगाया जाएगा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर उन्हें लगाया जाएगा। इसके लिए किया क्या गया है कि राजस्थान अल्पसंख्यक मामला राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2017 और राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम 1999 की अनुसूची में संशोधन किया गया है मंत्रिमंडल के द्वारा, ठीक है। दो में क्यों किया गया, क्यों समझ पाए, क्योंकि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पद है ये, इसलिए क्योंकि इसे पहले ज़्यादातर डेपुटेशन से ही भरा गया है और इसको इसमें अब जो स्टेट सर्विसेज यानी अब जो सेलेक्ट होके आएंगे स्टेट सर्विसेज को जो अधिकारी होंगे राज्य RAS वाले, तो उनमें जो है उनसे जो है इस पद को भरा जाएगा। तो इस संशोधन से अब RAS परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों में से विभाग में आने वाले अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अब क्या कहलाएंगे, राज्य सेवा के यानी स्टेट सर्विसेज के अधिकारी कहलाएंगे, वेरी गुड। जिससे भी जिले के विभाग के आहरण अधिकारी वितरण अधिकारी का दायित्व विभिन्न योजना के प्रभावी क्रियान्वयन मॉनिटरिंग एवं अन्य विभागों से प्रभावी रूप में समन्वय कर सकेंगे। तो आपने देखा कि अब कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो पाएगा, अच्छे और बहुत ही ज़्यादा जो है वो कहना चाहिए कि यंग ऑफिसर जो है वो मिल पाएंगे और ये अपने आप में जो है वो बहुत ही पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट डालेगा जिला अल्पसंख्यक जो आपका मामलात जो मंत्रालय है उसके ऊपर। तो विभाग के सहायक निदेशक का पद भी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की पदोन्नति से भरा जाएगा। तो आप समझ पाए कि अब क्या होने वाला है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप इंटरव्यू की तैयारी करने वाले हैं तो आपसे हो सकता है एक क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं श्री जीवा भाई के बारे में। देखिए जंगे आज़ादी के सिपाही स्वतंत्रता सेनानी श्री जीवा भाई पुत्र कोदरा भगोरा की को जो है वो राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में विदाई दी गई। तो जीवा भाई कहाँ के थे, डूंगरपुर जो हमारे ट्राइबल एरिया में आता है, ठीक है। तो डूंगरपुर की पंचायत समिति बिछीवाड़ा ग्राम पंचायत बीरपुर मेवाड़ा के झापा निचला के जो है ये निवासी रहे हैं। इनकी अंत्येष्टि में जिला कलेक्टर साहब,
एसपी साहब जो हैं उन्होंने इनको पुष्पक अर्पित किया। इसके साथ साथ इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। क्या दिया गया है? गार्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, सुत्ता संग्राम में बांगर क्षेत्र में आपको पता है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला जो एरिया है वो बांगर क्षेत्र कहलाता है। तो बांगर क्षेत्र में सुतना सेनानी भोगीलाल पांड्या के साथ उन्होंने काम किया था। भोगीलाल पांड्या जी की यदि हम बात करते हैं तो इन्हें बांगर का गांधी कहा जाता है। इनका जन्म भोगीलाल पांड्या जी का 1904 में हुआ और उन्होंने 15 वर्ष की अल्पायु में ही डूंगरपुर में एक विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने बच्चों में पूर्णों के लिए पाठशालाओं की श्रृंखला स्थापित करना शुरू कर दिया और आदिवासी क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। तो हम देख सकते हैं कि 1942 में भी भारत छोड़ो आंदोलन में जो है भोगीलाल पांड्या जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उन्हीं के साथ कार्य किया था कि उन्होंने जीवा भाई ने, तो जीवा भाई ने भी शैक्षिक क्रांति लाने में अपना एक महत्वपूर्ण जो सहयोग है प्रदान किया। इसके साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इन्हें क्या दिया गया है? गार्ड ऑफ ऑनर। ये कहाँ के थे? डूंगरपुर के। इन्होंने किसके साथ काम किया, ये सारी डिटेल आपके सामने उपलब्ध है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टिड्डियों का हमला और जैसलमेर। देखिए, हमने जैसलमेर को यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान के सीमावर्ती ज़िले जैसलमेर बाड़मेर हैं। तो यहाँ पर टिड्डियों का हमला हुआ ये था कि जब आपको पता है कि मई 2020 में जब टिड्डियों का हमला हुआ था तो उस समय कहते हैं कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयानक टिड्डियों का हमला था। उस समय कुछ ऐसी टिड्डियाँ जो कि अपरिपक्व थी वो अपरिपक्व हो गई हैं और अब दोबारा जो है टिड्डियों की हमले की जो संभावना है बहुत ज़्यादा बनी हुई है और टिड्डियों का हमला जो है वो होने मतलब अपने आप में जो है वो खाद्य संकट जो है वो उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सोमालिया सहित दक्षिण अफ्रीकी देशों में बड़ी संख्या में टिड्डियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जैसलमेर बाड़मेर से भारत में प्रवेश करने वाली हैं। ये भारत में प्रवेश जो है वो अब कर चुकी हैं। कृषि विभाग, टिड्डी नियंत्रण विभाग और बीएसएफ और अन्य एजेंसियों के अधिकारी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए। कौन कौन? कृषि विभाग, टिड्डी नियंत्रण विभाग और बीएसएफ भी, बॉर्डर पुलिस जो सर्विस होती है ना बीएसएफ, बॉर्डर पुलिस फोर्स, वो भी बहुत ज़्यादा, उसके साथ और भी अन्य एजेंसियाँ जिसमें आपके जिला प्रशासन पूरी तरीके से जो है वो इन्वॉल्व होता है। रेगिस्तानी टिड्डियों की बात करते हैं तो रेगिस्तान जो टिड्डी है, टिड्डी की एक प्रजाति होती है और ये खाद्य आपूर्ति और लाखों लोगों की आजीविका के लिए अभूतपूर्व खतरा पैदा कर देती है। एक्चुअली एक तो ये बहुत ज़्यादा जो है इसके सींग नहीं होते हैं और ये अपने वजन से कहीं ज़्यादा जो है वो भोजन खा सकती हैं। ठीक है, और ये झुंड में जो है हमला करती हैं और रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ भी इन्हें ग्रीन फसल दिखती है, हरी फसलें दिखती हैं, वहाँ पर ये हमला कर उस फसल को पूरी तरीके से नष्ट करने में जो है सक्षम होती हैं। तो इसकी वजह से सबसे मुख्य परेशानी खाद्य को लेकर है कि खाद्य संकट जो उत्पन्न हो जाएगा इसी तरीके से यदि टिड्डियों का हमला होता रहा। देखिए, डेढ़ महीने से ही टिड्डियों का हमला जारी है। राजस्थान सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है, जहां पर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो एक खतरा है बहुत ज़्यादा है। हुआ ये कि पाकिस्तान इस तरीके के हमले को जो है वो ख़त्म करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से भारत को इसका बहुत ज़्यादा हर्जाना जो है भरना पड़ रहा है। जैसलमेर में टिड्डियों के नियंत्रण प्राधिकरण व्यापक पैमाने पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए हेलीकॉप्टरों का उपयोग कर रहे हैं, यानी हवाई छिड़काव कर रहे हैं। ऐसा जो है राजस्थान में बहुत पहली बार जो है होने जा रहा है। इसके लिए ड्रोन का, हवाई जहाज का, हेलीकॉप्टरों द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। शुरू में बाड़मेर में उत्तर लाइन में वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया जाएगा हेलीकॉप्टरों को और रेगिस्तानी क्षेत्रों में छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए बेल 206B3 कौन सा? बेल 206B3 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें लगभग 250 लीटर कीटनाशक एक बार में ले जाया जा सकता है और ये लगभग 25 से 50 हेक्टर क्षेत्र को कवर करने की क्षमता रखता है। तो हेलीकॉप्टर में जो है केवल एक ही जो है वो पायलट होगा, इसे एक ही पायलट के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके साथ साथ सरकार ने और क्या किया है। सरकार ने ब्रिटेन स्थित एक कंपनी से 5 हवाई छिड़काव मशीनों के लिए भी आदेश दिए हैं, जिन्हें IAF हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जाएगा और टिड्डी नियंत्रण में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि टिड्डियों का हमला अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है वो खतरनाक है और इसके लिए लगातार जो है सरकार और इसके साथ साथ टिड्डी नियंत्रण संगठन जो हैं
कार्यरत हैं। जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से इनके लिए कार्य कर रहा है। तो टिड्डियों का ये जो हमला है, कहते हैं कि 2-3 दशकों का सबसे बड़ा हमला है ये। तो यहाँ पर जो है वो हेलीकॉप्टर तक की तैनाती होगी और बेल 206B3 हेलीकॉप्टर का उपयोग जो है यहाँ पर किया जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर जो है आप बहुत अच्छे से समझ पाए। राजस्थान समसामयिकी के जितने भी 4-5 इंपॉर्टेंट बिंदु थे इस वीक के, उनको हमने कवर किया। इस तरीके से हम आपका जो पूरा जो करंट अफेयर है उसको हम यहाँ पर शामिल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।